ऑलराइट, तो आप लव मैरिज को तो बहुत सपोर्ट करते हैं, ये आप क्लियर हो गया। सपोर्टिव? बट देन देयर आर पीपल हु आर नॉट रियली श्योर एंड दे वांट टू एक्सपेरिमेंट, कि पहले साथ रह के देख लेते हैं वेदर वर्क्स और नॉट। आई कॉल्ड मी ओल्ड फैशन, कॉल्ड मी अ व्हाइट हेयर वाला अंकल, आई एम एब्सोल्यूटली अगेंस्ट इट. इफ यू लव अ पर्सन इनफ, बी रेडी फॉर अ कमिटमेंट. देखो, ऑल सेड एंड डन, आप वेस्ट की कॉपी करोगे तो वेस्ट वाले रिजल्ट्स निकलेंगे. एंड दिस इज पर्टिकुलरली डैमेजिंग फॉर द विमेन. दूसरी चीज, तुमने कितने लिविंग सक्सेसफुल देखे? मैंने बहुत सारे देखे, सिर्फ एक कामयाब देखा जिसके बाद में शादी हुई. बॉयज हैव ऑल द एडवांटेजेस, विमेन हैव ऑल द डिसएडवांटेजेस. पहले झगड़े पे तुम लोग बस्ता पैक करके गायब हो जाते, पहले झगड़े पे. सो इफ यू गाइस आर कमिटेड इनफ, हैव अ मैरिज. कोई वजह है कि इसका इंस्टीट्यूशन रखा गया? बिकॉज यू नो, अगर शादी नहीं हो तो 90% कपल्स अलग हो जाए, राइट? इट्स वेरी इजी टू वॉक आउट ऑन गर्लफ्रेंड यार. मेरा मूड खराब हुआ, फिर खा गई, या बदतमीज है, या भांडे नहीं धोते, या मेरी मम्मी के लिए उसने कुछ कह दिया, टू वॉक आउट ऑन द पुअर थिंग. या इवन गर्ल्स कैन वॉक आउट, बट इट्स यूजुअली द बॉयज हु. सो मेरी राय में दिस इज अ वेरी डेंजरस ट्रेंड. इफ अ मैन मैरीज यू, ही शुड ऑनर यू. कॉल मी ओल्ड फैशन, बट आई एम लाइक दैट, एंड आई एम वेरी वरिड अबाउट ऑल माई डॉट्स. I would absolutely fight to death for the right of my daughters to have a love marriage, but live in hell no. वो लड़की totally खतरे में, लड़के को तो क्या, हम conservative society, उसका कुछ नहीं जाए. Who suffers? The woman. America is going back to marriage culture now. वो नतीजे देख चुके हैं, broken marriages, अनाथ बच्चे, देख, you know, pseudo feminism. Living is not women empowerment. Living is women hurting, women exploitation. Marriage is women empowerment. You take her in ki, ठीक है, ये मेरे सर का ताज है, मेरे घर की मालकिन है, मेरे बाप की बहू है. You honor the woman. Yeah? Just don't do it. It's a very bad idea. So the girl has all the disadvantages. Better, this is not female empowerment. This is female exploitation. नहीं, ये actually fact है that it's very risky. There is no guarantee कि workout करेगा कि नहीं करेगा. और trend देखो ना, how many live-in couples you know who ultimately married? मैं personally तो नहीं जानती हूँ, Bollywood वाले देखे हैं, उनके तो breakup ही हो जाता है. Bollywood Bollywood है, उनके तो शादियां ऐसे side में दो तीन चल रही. ये बॉलीवुडियों ने तो सत्यानाश किया इसमें. हमारा बेड़ा गर्क करने में सबसे आगे बॉलीवुड और क्रिकेटर्स. एंड आई टेल माय सन्स कि ये हीरोज और हीरोइंस नहीं है, ये बॉलीवुडिये हैं. एक्टर्स भी नहीं है, बॉलीवुडिये हैं. इनके क्या रूल्स और एथिक्स हैं इनमें? किसका एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं चल रहा, कौन नशे पे नहीं है, किसके बच्चे नहीं है गंदगी में, कौन नेपोटिज्म में नहीं है, कौन पॉलिटिशियंस के तलवे नहीं चाटता. इन लोगों को फॉलो करके ये हाल है आप लोग. एंड यू नो, एट टाइम्स आई फील पूरा साला इनका एजेंडा है. डॉक्टर कलाम पे कोई पिक्चर नहीं बनी, दाऊद इब्राहिम पे 15-20 है. व्हाट आर यू टीचिंग? क्या सिखा रहे हो यार? आई लव गैंगस्टर फ्लेक्स, ओके, बट व्हेन यू पोर्ट्रे देम कि साहब ये तो बहुत महान है, एंड यू नो दो रॉन्ग्ड यंग मैन, ऐसे नहीं होता. मैं आजकल बच्चों से मिलता हूँ, साहब मैं पैसे के लिए कुछ भी करूंगा. मैंने कहा बच्चे, ऐसा बोलने वालों से कच्ची बस्तियां और जेल भरी हुई हैं. उसने कहां सीखा ये बकवास? बॉलीवुड. कि पहले सीन में हीरो ने गन निकाली, दूसरे सीन में डॉन हो गया. अबे दूसरे सीन में पुलिस तोड़ देती है हड्डियां, चलना मुश्किल हो. तो ये प्यार के नाम पे जो गंदगी मचा रखी है ना, ये गलत, इम्प्रैक्टिकल, फुलिश आइडिया. Love, you couldn't tell me one couple who was successful after living. There you are, baby, data speaks. 8% तो निकाल, 10% तो निकाल. अच्छा 5% है? नहीं है. If you love a woman, honor her by making her your bride. If you love a man enough, honor him by making him your husband. पत्नी देवी होती है भाई, पति देव होता है.
ट्रीट ईच अदर लाइक रॉयल्टी, टीच ट्रीट ईच अदर विद रिस्पेक्ट. ये फेक फेमिनिज्म, लिव इन में रहना इज नॉट फीमेल एम्पावरमेंट, लिव इन में रहना इज इंसल्ट, दैट इज फीमेल एक्सप्लॉयटेशन.